हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज हम लो, लोग रियल नंबर के टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो आई होप आपने थोड़ा सा बेसिक जान रखा हो फार्मूले वगैरह देख रखे वैसे बहुत ज़्यादा फॉर्मुले है नहीं बस एक ही फॉर्मुला होता है वो एस सी एफ इन टू एल सी एम टू Product of two numbers, बाकी LCM और एलसीएम लेना आई होप आपको आता होगा बाकी नहीं आता होगा तो मैं डिस्कस तो करूंगी तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और करना शुरू करते वैल्यू ऑफ एम अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो सबसे पहले तो आपको एलसीय लेना है किसका लेना है एलसीयम लेना है आपको यानी इन दो नंबर का लेना है अब LCM लेते कैसे हैं? तो प्राइम करना पड़ता है। तो ट्वेल्व तो 2 2 और फोर्टी टू का क्या आएगा चलो करके देख लेते हैं फोर्टी टू का टू से गया ट्वेंटी थ्री से गया सेवन सेवन से वन तो यानी ये या आया टू इंटू थ्री इंटू सेवन ऐसा आ गया अब एलसीएम कैसे लेते हैं जितने भी डिफरेंट नंबर आपको दिख रहे हैं सब लिखने हैं टू दिख रहा है थ्री दिख रहा है सेवन दिख रहा है सब लिख लिया और इन सब की हाइएस्ट पावर लेनी है तो टू की पावर वन है यहाँ टू है तो टू आएगा थ्री पे तो वन है यहाँ भी वन है तो हाइएस्ट वन ही माना जाएगा और सेवन की पावर ही वन है हाइएस्ट तो वन माना जाएगा तो यहाँ पे कितना आ गया फोर इंटू ट्वेंटी वन यानी एट्टी फोर आ गया ये कितना आ गया एट्टी फोर अब बोला गया तो जो एलसीएम सी एम है वो टेन एम प्लस फोर के इक्वल है वो टेन एम प्लस फोर के इक्वल है ये जो हमारा एलसीएम आया ना 84 ये यह टेन एम प्लस फोर के इक्वल है ये क्वेश्चन में दे रखा है तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं इस फोर को यहां माइनस कर दो एट्टी फोर माइनस फोर इज्कवल टू टेन एम तो, तो यहां से आ जाएगा एट्टी इज्वल टू टेन एम तो एम यहां से कितना आ जाएगा एट्टी अपॉन एट टेन एट आ जाएगा जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा बी पार्ट आंसर आ जाएगा समझ में आ गया बहुत सिंपल था यानी हमने एल्सियम निकाला और एल्सियम बोला था वो एट्टी फोर के जो एल्सियम एट्टी फोर है वो टेन एम प्लस फोर के एक के दी और यहां से हमें एम के लू मिल गई ये नोट कर लो फिर नेक्स्ट करते हैं जो नेक्स्ट क्या नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लिखा है बोथ फाइव स्क्वायर थ्री की पावर थ्री आर द फैक्टर्स ऑफ दिस मतलब एन इंटू सिक्स का स्क्वायर इंटू सेवन की पावर थ्री जो हमें दे रखा है अब ये बोला गया है इसके फैक्टर्स जो हैं वो फाइव स्क्वायर है और थ्री क्यूब है अच्छा फैक्टर्स से आप क्या समझते हो जैसे मैं आपसे बोलूं कि फोर एक नंबर है तो टू इंटू टू होता है तो आप ये बोल सकते हो कि टू फोर का फैक्टर है यानी उस फोर में टू तो होना चाहिए ना तो अगर इसका फैक्टर ये दोनों है तो ये दोनों नंबर जो है वो इसमें जरूर होंगे यही तो बात आप समझते हो तो पहले थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई अगर कर लें एन इंटू सिक्स का मतलब होता है टू इंटू थ्री इंटू सेवन की पावर थ्री इसको और देखा तो ये कितना आ गया टू का स्क्वायर आ जाएगा ये जो पावर है ना दोनों को मिल जाएगी तो टू का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर इंटू सेवन की पावर थ्री ये हमारे पास नंबर है और बोला गया था इस नंबर का ये दोनों फैक्टर है और अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जो अगर कोई फैक्टर होता है तो वो जो नंबर्स हैं वो इसमें जरूर होनी चाहिए इसमें तो आप बताओ अगर फाइव स्क्वायर फैक्टर है तो क्या इसमें फाइव स्क्वायर होना चाहिए मिनिमम फाइव स्क्वायर होना चाहिए एक्स्ट्रा तो हो सकता है तो इसका मतलब यहां पे तो कहीं भी फाइव है नहीं तो पक्का जो एन है उसमें मिनिमम फाइव स्क्वायर तो जरूर होगा मिनिमम ज्यादा भी हो सकता है ठीक है लेकिन मिनिमम फाइव स्क्वायर तो होगा तभी तो इसका फैक्टर में यह बोल सकता हूं फाइव स्क्वायर है बात अच्छा फिर बोल रहा थ्री की पावर थ्री फैक्टर है लेकिन यहां पे तो मैक्सिमम थ्री की पावर टू ही है भाई अगर तुम इसके हिसाब से देखोगे तो मैक्सिमम थ्री का स्क्वायर है तो थ्री का स्क्वायर ही फैक्टर मिल पाएगा मैक्सिमम इसका मतलब है एन में कहीं ना कहीं फाइव तो था ही, मिनिमम फाइव स्क्वायर तो हो गई इसको फैक्टर बनाने के लिए पक्का एक थ्री भी तो होगा तभी तो ये एक थ्री और ये थ्री स्क्वायर मिलके थ्री की पावर थ्री बना पाएगा तभी तो हम कह पाएंगे कि हाँ मिनिमम थ्री की पावर थ्री फैक्टर है तो इसका मतलब एन में एक तो फाइव स्क्वायर होना जरूरी है और एक थ्री का होना जरूरी है जिससे कि ये और ये थ्री क्यूब बन जाए और थ्री क्यूब भी फैक्टर आ जाए तो कितना आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री कितना आ गया सेवनटी फाइव जो कि हमारा ए पार्ट है समझ में आ गया अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ठीक है चलो नोट कर लो इसको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें लिखा है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 50 देयर एलसीएम इज 20 मोर देन देयर एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको बताना है ठीक है तो यार देखो आपको एक तो सम दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का और ये बोला जो एलसीएम है ना वो 50 मोर देन देयर एचसीएफ तो अगर मैं लेट कर लूं कि एचसीएफ हमारा x है तो आप बताओ एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा क्या वो एक्स प्लस ट्वेंटी हो जाएगा बताओ जरा क्या लिखा देखो एलसीएम इज ट्वेंटी मोर देन देयर एचसीएफ यानी एचसीएफ से ट्वेंटी ज्यादा है हमारा एलसीएम ये क्वेश्चन में दे रखा है और एक कंडीशन हमें और दे रखी है क्या कि जो एलसीएम है और उनका एचसीएफ का जो सम है वो फिफ्टी है यानी आपके पास एलसीएम प्लस एस का जो सम है वो कितना है फिफ्टी है तो भाई एलसीएम कितना ट्वेंटी एस सी एफ कितना है? ट्वेंटी टू फिफ्टी तो टू एक्स इज्वल टू फिफ्टी माइनस का ट्वेंटी तो टू एक्स आ जाएगा थर्टी तो एक्स कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा फिफ्टीन समझ में आ गया एक्स कितना आ गया फिफ्टीन आ गया अच्छा जी एक्स अगर फिफ्टीन आ गया तो एस कितना हो जाएगा तो एस सी एफ इज इक्वल टू हमारा एक्स के बराबर है जो कि फिफ्टीन आया है और एलसीएम कितना आ जाएगा वो X 20 है यानि कि 15 20 है यानि कि थर्टी फाइव आ जाएगा तो एस सी एफ आ गया और एल आ गया अब तुम्हें निकालना क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती ना एस सी एफ इन टू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास के सी एफ इंटू है एलसीएम तो मेरे थर्टी फाइव है और ये हमें प्रूफ करना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है ठीक है तो भाई प्रूफ क्या करना फाइंड आउट हो जाएगा यहां से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स चलो बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ठीक है चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 5 75 15 3 45 और 7 52 तो 525 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें मिल जाएगा आया समझ में ठीक है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ गया 525 ये भी यहाँ पे ए पार्ट आंसर आया है आई होप आपको यहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर चल रहा होगा कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है चलिए चलते हैं नोट कर लीजिए इसको स्क्रीन ले लो नोट कर लो मैं तो कहूंगा नोट करा करो यार ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं अब देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना है और एस सी एफ थर्टी सिक्स है तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर दैट कैन बी फॉर्म मतलब कितने पेयर हो सकते हैं नंबर्स के देखो आप बताओ अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोर और एक सिक्सटीन इन दोनों नंबर का एस तो कहोगे क्या क्या कि जो 4 है इसमें भी आता है और इसमें भी आता है ना तो अगर मेरे पास दो नंबर थे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है और उनका एस सी एफ तो अगर मेरा एक नंबर ए है और एक नंबर बी है तो इतना तो मैं कह सकता हूं ना कि जो नंबर है मेरे दो ए और बी उसमें दोनों में थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स जरूर होगा एस सी एफ है ना जैसे यहां पे फोर फोर जरूर है में कुछ हो सकता है कि इसके साथ एक्स्ट्रा में आई होप तो आपको ये चीज क्लियर तो हो गई जैसे मान लो एस सी एफ कितना होगा फोर क्योंकि इंटू थ्री है ये फोर इंटू फोर है ठीक है तो फोर तो चलो कॉमन मिल गया ये तो एस सी एफ तो फोर हो गया लेकिन इसमें थ्री एक्स्ट्रा है और इसमें कितना extra है 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 तो 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 ये 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 और समझ समझ लो उसी तरीके से क्या आप मेरी बात गए कि है, तो ये four four तो है, लेकिन इधर 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 भी इदर भी है। तो multiply X है। आज में। अब आपको दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है थर्टी सिक्स एक्स इन टू बी की वैल्यू है थर्टी सिक्स वाई इजक्ल टू वन टू नाइन सिक्स जीरो अब अगर हम थर्टी सिक्स का मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स में करें तो ये होता है वन टू नाइन सिक्स कितना होता है वन टू नाइन सिक्स होता है और ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स वाई आ गया इक्वल टू वन टू नाइन सिक्स जीरो आ जाएगा आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई तो अगर एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो एक्स वाई कितना आ जाएगा वन टू नाइन सिक्स जीरो अपॉन वन टू नाइन सिक्स ये आ जाएगा ठीक है वन टू नाइन सिक्स जीरो और ये वन टू नाइन सिक्स तो इसको कैंसिल कर दो तो एक्स वाई कितना आ जाएगा टेन आ जाएगा कैंसिल होके तो अब ये सोचो कि दो नंबर का मल्टीप्लाई टेन कब आ सकता है यानी जितना एक्स वाई होगा उसी के हिसाब से हमें पता लग जाएगा कितने पेयर होंगे क्यों हमारा ए और बी किस पे डिपेंडेंट है एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है तो आप ये सोचो एक्स और वाई को तुम क्या ले सकते हो अब देखो किसी ने एक्स को अगर वन ले लिया तो वन और ये फिर वाई उस टाइम क्या होगा टेन होगा तभी तो वन का मल्टीप्लाई टेन में करोगे टेन आएगा किसी ने एक्स को टू ले लिया तो वाई फाइव आ जाएगा तो टेन हो जाएगा तो इसका मतलब ये दो पेयर से ठीक है यानी इन दो एक्स वाई की वैल्यू से हमारा पेयर अलग अलग आ जाएगा किसी को डाउट ये आ सकता है कि सर अगर मैं उल्टा कर दूं, x को 10 कर दूं और y को 1 कर दूं, और x को 5 कर दूं और y को 2 कर दूं। देखो आप समझना मेरी बात आप इसमें एक नंबर अगर फॉर एग्जाम्पल इस केस की बात करें देना किसी ने x को 1 लिया और y को 10, तो उसके लिए नंबर क्या आएगा a 36 और इधर 10 आएगा 360 यही तो आएगा ठीक है मतलब किसी ने अगर ये वाला केस लिया x को 1 लिया थर्टी so सिक्स आएगा वाई को टेन लिए 360. और किसी ने ये ले लिया जिसने कौन से दो नंबर हैं तो ये थोड़ी ना कि पहले लिखा है बाद में लिखा है, भाई अगर मैं दो है टू एंड फाइव अब कोई बोले फाइव एंड टू वो बात तो एक ही है ना इसलिए चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला केस लो बात एक ही है तो हमें कितने केस मिले एक केस ये है और एक केस ये है तो दो ही केस मिलेंगे तो दो पेयर फॉर्म हो जाएंगे आपको वो पेयर फाइंड आउट नहीं करना है सिर्फ बताना है हाउ मेनी सच पेयर तो दो केस बन रहे हैं तो दो पेयर हमारे बन सकते हैं एक्स और वाई को पुट करने से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए पार्ट आ जाएगा क्लियर हो गया समझ में आ गया फिर से देख लेना इस वीडियो को जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही तगड़े लेवल का ठीक है नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट है लार्जेस्ट नंबर बताना है इड्स दिस दिस लिविंग रिमाइंडर दिस दिस अब ऐसे क्वेश्चन में कई बार डाउट ये आता है कि सर एस लें या फिर एल लें तो मेरी एक ट्रिक याद रखना अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ऐसा फील हो कि न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है क्या अगर क्वेश्चन पढ़ते टाइम तुम्हें ऐसा फील हो कि न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो समझ जाना एलसीएम है और क्वेश्चन पढ़ते टाइम तुम्हें ऐसा फील हो कि डिनोमिनेटर निकालना है तो वो एस सी एफ निकालना है ठीक है अब देखो पढ़ते हैं जरा समझ में आ जाएगा एक लार्जेस्ट बताओ निकालना है। लेना ये चीज क्लियर हो जाएगी ठीक है तो बस अब एस सी एफ लेना है लेकिन एस सी एफ वाले क्वेश्चन में अगर किसी नंबर में रिमाइंडर दे रखा है तो रिमाइंडर को पहले माइनस करना है तो यानी आपके पास एक नंबर सेवेंटी टू है ना उसमें रिमाइंडर को माइनस कर लो इसका रिमाइंडर है सेवन तो ये आ गया सिक्सटी आपका वन ट्वेंटी तो कर लो इसका एस सी एफ एस सी एफ लेना है सिक्सटी फाइव और वन वन सेवन का ठीक है आपको एस सी एफ लेना है किसका सिक्सटी फाइव और वन वन सेवन का इसका लेना है आपको एस सी एफ तो एस सी एफ कैसे आएगा देखो सिक्सटी फाइव के प्राइम फैक्टर करोगे तो थ्री इंटू सॉरी फाइव इंटू थर्टीन आएगा क्या आएगा फाइव इंटू थर्टीन सिक्सटी फाइव का प्राइम फैक्टर करोगे तो वो आएगा फाइव इंटू थर्टीन ठीक है और अगर वन हंड्रेड के करेंगे तो देखो कितना आएगा थ्री से जाएगा पहले थ्री थ्री या नाइन थ्री नाइन या ट्वेंटी सेवन थ्री थर्टीन आ जाएगा थ्री थर्टीन तो ये थ्री इंटू थ्री इंटू थर्टीन आएगा तो क्या इन दोनों में कॉमन थर्टी है तो इसका एनसीब क्या आ जाएगा थर्टीन तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो है वो कितना आ जाएगा थर्टीन आ जाएगा क्या आ जाएगा डी पार्ट थर्टीन बोला था ना लार्जेस्ट नंबर बताओ तो भाई सिक्सटी फाइव और वन हंड्रेड सेवनटीन का जो कॉमन नंबर है वो थर्टीन होगा ठीक है तो डी पार्ट इसका आंसर हो गया नेक्स्ट है इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 80, 108 जीरो एट रिस्पेक्टिवली फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड ऑल दी एम बींग इन द सेम सब्जेक्ट अब इसमें भी समझ में नहीं आता सर एल सी एम लें एल सी एम लें दे बताओ अगर बहुत सारे लोग हैं जैसे सोचो शादी है ठीक है अब शादी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं अब तुम्हें मान लो उनको रूम में शिफ्ट करना है तो क्या करोगे मान लो सौ लोग हैं तुम्हें रूम में बैठाना है तो तुम ऐसे बोलोगे ना चार लोग उस रूम में चले जाओ पांच लोग उस रूम में चले जाओ ऐसी कर के सौ के सौ एक रूम में घुसेड़ दोगे ऐसा तो नहीं करोगे यानी तुम कोई छोटा नंबर जो है वो सिलेक्ट करोगे और उस नंबर को सब में डिवाइड कर दोगे कि भैया पांच पांच लोग चले जाओ तो ऐसे तो यहां हो रहा है कि पार्टिसिपेंट्स हैं हमें सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए हैं ठीक है सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हर रूम में चाहिए और कितने रूम पूछा है तो इसका मतलब है तुम्हें इन सब का लेना पड़ेगा एस क्या लेना पड़ेगा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर उसी से डिसाइड होगा कि भैया ये कॉमन नंबर है इतने लोग एक रूम में बैठेंगे समझ रहे हो उसी से तो डिसाइड होगा ऐसे याद रखना इस चीज को तो चलिए एस ले, ले लेते हैं किसका 60 का 84 का और 108 का ठीक है क्योंकि हमारे पास हमारे पास जो अभी डेटा है उसके अकॉर्डिंग हिंदी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 60 हैं इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 84 हैं और 108 हमारा किसका मैथमेटिक्स का तो पहले तो हम एस सी एफ अगर इन तीनों का लेते हैं 60, 84, 108 का ठीक है तो वो 12 आता है मुझे तो आंसर याद है लेकिन फिर भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं देखो आ, 60 के प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे तो कितना आएगा टू से जाएगा फिर थर्टी आएगा फिर टू से जाएगा फिफ्टीन थ्री इंटू यानी टू का स्क्वायर थ्री इंटू आ गया ठीक है एट्टी फोर का क्या हो जाएगा टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन क्योंकि ट्वेल्व सेवन जो होता है ठीक है वन जीरो एट क्या होगा थ्री इंटू थ्री पहले टू से जाएगा वैसे पहले किसे टू से जाएगा फिर आएगा फिफ्टी फोर फिर टू से जाएगा ट्वेंटी सेवन फिर थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री हो जाएगा ठीक है यानी टू का स्क्वायर इंटू थ्री की पावर थ्री हो जाएगा ठीक है तो ये आ गया हमारा करके देख लेना अब ऐसे क्या होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर

तो हिंदी के लिए रूम कितने होंगे सिक्सटी पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के और ट्वेल्व हमारा एस सी आए तो कितने रूम चाहिए होंगे फाइव ऐसी इंग्लिश के लिए कितने चाहिए होंगे एट्टी फोर अपॉन यानी सेवन और इसमें कौन सा है हमारा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में वन जीरो एट है तो यहां पे रूम चाहिए होंगे नाइन ठीक है तो टोटल रूम्स की अगर मैं बात करूँ किसकी टोटल रूम्स की अगर मैं बात करूँ तो फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन 12 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा कितना आ जाएगा b पास 21 आया समझ में तो इस टाइप से हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो और ये भी समझ में आ गया होगा scf ही क्यों लेना है ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट है थ्री रनर्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक कैन कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स रेस्पेक्टिवली दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर और कितने आवर्स बाद मिलेंगे ये आपसे पूछा गया है देखो अगर कभी भी बोला जाए ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाएं कि भाई कब ये मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन याद रखना ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है क्या लेना है एलसीएम लेना होता है अच्छा एलसीएम ही क्यों लेना है अब खुद से सोच के देखो एक गोल चक्कर है ऐसे मान लो और तीन लोग यहां पर दौड़ना शुरू कर रहे हैं एक की स्पीड बहुत ज्यादा है इसकी एक एवरेज इसकी एक कम है थोड़ी तो क्या ये तीनों लोग एक राउंड से पहले मिल जाएंगे क्या अब नहीं मिल पाएंगे क्यों ये इधर पहुंचेगा तो ये इधर पहुंचेगा ये इधर पहुंचेगा मान लो ये इधर पहुंचेगा तो ये इधर पहुंच गया ये इधर पहुंच गया मतलब जब राउंड कंप्लीट होगा तो ये इसके पीछे होगा ये इसके पीछे होगा अब एक राउंड अगर कंप्लीट हो गया इसका मतलब है सबने अपना अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया यानी ये जो तीन नंबर हैं वो नंबर तो आंसर मिला नहीं उससे ज्यादा मिलेगा ज्यादा मतलब एलसीएम कम मतलब एस और वैसे भी याद रखो जब भी मिलने वाला क्वेश्चन है तो एलसीएम लेना है ठीक है तो भाई एलसीएम ले लो किसका टू थ्री फोर का कितना आएगा टू थ्री का एलसीएम कितना आएगा तो फोर नंबर है फोर का डबल करा एट वो तो जाएगा नहीं ट्वेल्व आ जाएगा तो ट्वेल्व आवर्स हो जाएगा ट्वेल्व आवर्स बाद वो लोग मिलेंगे आए में तो ऐसे क्वेश्चन में क्या लेना एलसीएम और अगर आपको लगता है कि यार आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है आपको सारी चीज तो मिल ही रही है

टू लाइव क्लासेस मिल रही डाउट सेशन भी मिल रहे हैं सब कुछ मिल रहा है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग कोड एल ए फोर एस लव ए फोर एस आरमी ठीक है LA4S, Army, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस वन की पावर एन प्लस माइनस वन की पावर फोर एन इज टू जीरो कैसा होगा ये तुम्हें बताना है एक बताओ फोर का मल्टीप्लाई अगर वन में कर दूं तो कितना आता है आप कहोगे फोर फोर का मल्टीप्लाई टू में कर दूं तब भी क्या आता है फोर यानी फोर का मल्टीप्लाई चाहे ऑड नंबर में करो चाहे इवन नंबर में आप सॉरी एट फोर टू जाए एट होता है ठीक है ये इवन नंबर है कैसा नंबर इवन यानी फोर का कोई भी मल्टीपल लोगे यानी ये हमेशा एक इवन नंबर होगा अब आप कहो सर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो रुक जाओ अभी पता चल जाएगा अच्छा ये आपको पता है क्या कि माइनस वन की पावर थ्री कितना होता है हाँ सर पता है माइनस वन होता है अच्छा माइनस वन की पावर फोर कितना होता है सर पता है प्लस वन होता है क्यों होता है अगर माइनस वन की पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस वन अगर ऑड नंबर है तो माइनस वन ठीक है ये लॉजिक सारे माइंड में अब रखो थोड़े से ठीक है अब देखो माइनस वन की पावर एन माइनस वन की पावर फोर एन यह है जीरो के बराबर अब तुम्हें बताना है एन क्या हो सकता है अब अभी अभी मैंने डिस्कस करा कि फोर एन हमारा बिल्कुल क्लियर है कि वो एक इवन नंबर होता है और ये भी पता है कि माइनस वन की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट कितना आता है प्लस वन तो इसका मतलब माइनस वन की पावर फोर एन फोर एन है एक तो ही ये तो आएगा ठीक है अब मुझे रिजल्ट चाहिए जीरो के बराबर तो ये कब पॉसिबल है जब ये वाला जो रिजल्ट है वो कैसा आना चाहिए माइनस वन क्योंकि अगर ये प्लस वन हो गया तब तो वन प्लस वन टू हो जाएगा अच्छा माइनस वन कब आएगा जब ये माइनस वन की पावर जो ये है वो कैसा होना चाहिए ऑड नंबर कैसा ऑड नंबर अब आज में क्यों समझा रहा था ये बात तो सी पार्ट ऑड नंबर यहां पे आंसर होगा क्लियर होगी यहां तक बात पक्का अच्छे से ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं इसमें लिखा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एफ एस क्या नहीं हो सकता इनमें ये पूछा गया क्वेश्चन में तो याद रखो LCM जो होता एलसीएम इज ऑलवेज एलसीएम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एस ठीक है न, LCM always, LCM SCF, जो एलसीएम होता है ना हमेशा एस का मल्टीपल होता है तुम तो कभी तो भी दो नंबर का एस निकालना और एलसीएम निकालना और चेक करोगे तो देखोगे यार एलसीएम जो है वो एस का मल्टीपल आ रहा है इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर आप एलसीएम और एस को डिवाइड करोगे ना तो आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी कैसी वैल्यू मिलेगी इंटीजर जैसे एक एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे एक नंबर है छोटे छोटे नंबर एक लेते नंबर थ्री और एक लेते ले सिक्स ले ठीक है तो इन दोनों का जो एस है वो कितना है वो है थ्री दोनों में कॉमन क्या आएगा थ्री और एलसीएम कितना होगा एलसीएम सिक्स होगा तो अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो सिक्स अपॉन थ्री टू आया तो टू कैसा नंबर है इंटीजर इस बात को ध्यान रखो कि LCM, LCM upon LCF, इंटीजर नंबर आता है तो चलो देख लेते हैं तो अगर मेरा एलसीएम ट्वेंटी है तो ए ऑप्शन में अगर हम एस को थ्री ले लें तो ये एट आ जाएगा तो ये तो इंटीजर है तो ये तो हो सकता है एस क्वेश्चन बोला है कौन सा नहीं हो सकता है ठीक है तो सारे करने पड़ेंगे फिर बी ऑप्शन में करेंगे ट्वेंटी फोर हंड्रेड अपॉन फोर हंड्रेड तो ये भी कटके सिक्स आ गए ये भी एक इंटीजर हो गया तो ये भी हो जाएगा सी पार्ट में ट्वेंटी फोर हंड्रेड अपॉन फाइव हंड्रेड करेंगे ये नहीं आएगा क्यों देखो पॉइंट में आएगी वैल्यू फाइव फोर या ट्वेंटी फिर फोर कैरी जाएगा फाइव एट या फोर्टी फोर पॉइंट एट ये इंटीजर नंबर नहीं है तो ये हमारा फिर फाइनल आंसर हो जाएगा और डी पार्ट में भी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी चेक कर लेना तो इस तरीके के इस वाले क्वेश्चन में ये लिए किससे एंड होगा अगर हम एन की एक लेते हैं तो? तो एक काम करा करो इसमें पुट कर दिया करो एन लिए नेचुरल uh, नंबर क्या होता है वन टू थ्री सब होता है ना तो अगर मैंने सपोज करो एन एच टू वन लिया तो आईडी लग जाएगा अभी आपको तो टू ब्रैकेट ये फाइव की पार वन हो जाएगा सिक्स की पार वन हो जाएगा तो टू इंटू फाइव प्लस सिक्स यानी टू इंटू ये इलेवन आ जाएगा और ये हो जाएगा ट्वेंटी टू तो ये किससे एंड हो रहा है टू से एंड हो रहा है और वेरीफाई करना है तो चलो एन को टू पुट कर लो तो टू इंटू फाइव की पावर टू सिक्स की पावर टू हमने एन को टू पुट कर दिया तो टू इंटू ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा थर्टी सिक्स ठीक है फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा थर्टी सिक्स तो ये बन जाएगा टू इन ये कितना आएगा सिक्स प्लस फाइव इलेवन वन कैरी तो सिक्सटी वन तो टू और ये सिक्स टू हो जाए ट्वेल्व तो यानी ये आ गया वन ट्वेंटी टू तो अगर ये वन ट्वेंटी टू आ गया और ये ट्वेंटी टू तो सब में क्या हो रहा है टू से एंड हो रहा है तो इसी में यही पूछा था एन इज अ नेचुरल नंबर ऑलवेज एंड विथ तो कितना आंसर आ जाएगा टू आ जाएगा डी पार्ट आया समझ में चलो बहुत बढ़िया आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखा है फॉलिंग इज अ रैशनल नंबर कौन सा रेशनल नंबर है ठीक है तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि कौन से इेशनल नंबर है ठीक है अगर बी पार्ट पहले पहले पार्ट को चलो चेक करते हैं थी? सब पता लग जाएगा तो पहला पार्ट में बोला है सम ऑफ दिस एंड इट्स इनवर्स इनवर्स का मतलब क्या होता है मतलब ये नंबर और इसका इनवर्स इसका हमें सम करना है हमसे क्या बोला गया ये नंबर और इसका इनवर्स हमें देखना है क्या आ रहा है तो देखो टू प्लस रूट थ्री पावर माइनस होती है तो क्या होता है ये अपॉन हो जाता है ना अगर पावर माइनस होती तो क्या होता है अपॉन अगर ये रेस प्रोकल मैंने नीचे ये दे रखा है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर लो इसको ऐसी रहने दो तो टू प्लस रूट थ्री प्लस इस ब्रैकेट में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो यानी वन प्लस टू रूट थ्री है ना इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा टू प्लस रूट थ्री प्लस वन का मल्टीप्लाई टू माइनस रूट थ्री में होगा तो ये टू माइनस रूट थ्री आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा तो यह आ जाएगा टू प्लस रूट थ्री प्लस ये आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री तो फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा तो टू प्लस का रूट थ्री और यह तुम्हारा टू माइनस का रूट थ्री और डिवाइड में कितना हो गया फोर माइनस थ्री कितना होता है वन तो वन रहेगा वो तो फिर ऐसे ही रहेगा तो रूट थ्री से रूट थ्री कर फोर आ गया तो चांस की बात है पहले ही ऑप्शन हमारा रेशनल नंबर आ चुका है और हमसे यही पूछा था कौन सा रेशनल नंबर है तो ए पार्ट खेल खत्म ठीक है अब किसी को चेक करना है जैसे बी ऑप्शन क्यों नहीं है तो बोला स्क्वायर रूट ऑफ एटीन तो एटीन के अगर प्राइम फैक्टर करते हो तो ये तो थ्री रूट टू आता है ना क्योंकि थ्री बाहर आ जाएगा तो ये रूट टू कैसा है इरेशनल फिर बोला स्क्वायर रूट ऑफ दिस तो ये तो आपको दिख ही रहा है इरेशनल नंबर है ठीक है तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया और नन ऑफ दिस है नहीं, पहली हमारा ऑप्शन आ चुका है तो इसका आंसर हो गया ए पार्ट ठीक है नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट हमें फोर डिजिट बड़े से बड़े नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइडेड बाई थ्री फाइव सेवन नाइन लीव द रिमाइंडर वन थ्री फाइव सेवन तो पहली चीज तो ये कि आपको यहां पे पहले ये समझ में आना चाहिए कि एस लेना है एलसीएम लेना है मैंने आपको ट्रिक बता रखी है क्या बोला ग्रेटेस्ट नंबर बताओ फोर डिजिट का व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय मतलब एक बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो डिवाइड हो रहा हो किससे 3579 से, से. अच्छा रिमाइंडर की कहानी बाद में समझेंगे ठीक है पहले ये समझ लो तो क्या आपको न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है और मैंने आपको क्या सिखाया था अगर न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं क्या लेते हैं एलसीएम तो इसका मतलब आपको एलसीएम लेना होगा किसका एलसीएम लेना होगा थ्री फाइव सेवन नाइन का ठीक है तो कैसे आएगा एलसीएम देखो थ्री के प्राइम फैक्टर तो थ्री होगा फाइव का फाइव ही होगा सेवन का सेवन होगा नाइन का होगा थ्री का स्क्वायर तो एलसीएम में क्या आएगा हाईएस्ट पावर आती है एलसीएम में तो थ्री की हाईएस्ट पावर तो टू है तो थ्री की पावर टू आएगा और फाइव आएगा और सेवन आएगा ये आ जाएगा फाइव सेवन हाँ ठीक है समझ में आ गया अच्छा जी अब जरा सॉल्व कर लो नाइन फाइव मल्टीप्लाई करोगे फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव का सेवन में करेंगे तो थर्टी फाइव थ्री कैरी ट्वेंटी एट थ्री वन फाइव तो ये तो आगे एलसीएम अब तुम्हें पता करना है बड़े से बड़ा फोर डिजिट नंबर एक बताओ हमारा ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है बचपन में सीखा ये ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या वो फोर टाइम्स नाइन हो जाएगा क्या वो फोर टाइम्स नाइन हो जाएगा अब हो गया हां सर तो यार अब हम ये आंसर तो नहीं दे सकते हैं क्यों क्योंकि हमें तो वो नंबर चाहिए ना जिसको डिवाइड करने पे थ्री फाइव सेवन नाइन को डिवाइड करने से रिमाइंडर ये आ रहे हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं इस नंबर को क्यों करते हैं डिवाइड एलसीएम से जब डिवाइड करोगे नंबर को तो हमें एक ऐसा नंबर पता लग जाएगा जो कंप्लीटली डिविजिबल है इस नंबर से या बोलू जो भी ये नंबर है थ्री फाइव सेवन नाइन ये सारे नंबर से ठीक है तो चलो पहले तो थ्री वन फाइव से डिवाइड कर लेते हैं इसको मैं रेज कर देता हूं तो थ्री वन फाइव से हमें डिवाइड करना है किसको नाइन 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 को इस तरीके से ठीक है तो कितने बार जाएगा थ्री टाइम्स तो नहीं जा पाएगा चला जाएगा चला जाएगा थ्री से तो थ्री जब फिफ्टीन थ्री जब फोर्टी फाइव और ये नाइन तो ये तुम्हारा हो गया नाइन में फाइव गया फोर और नाइन में फोर गया फाइव ठीक है फिर ये नाइन आ जाएगा यहां अब कितने बार जाएगा दो बार तो जाएगा नहीं वन टाइम ही जाएगा थ्री वन फाइव तो कितना आ जाएगा फोर थ्री और ये टू टू थर्टी फोर आ जाएगा ना कितना आ गया टू थर्टी फोर तो अब रिमाइंडर आ गया तो हमें हमेशा याद रखना है अगर किसी भी क्वेश्चन में डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है और हमें कंप्लीटली डिविजिबल नंबर अगर पता करना है तो रिमाइंडर को माइनस करना होता है तो हमारा जो ये नंबर है ना फोर डिजिट तो हमारा जो फोर डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई थ्री वन फाइव विच इज डिविजिबल बाई थ्री वन फाइव वो क्या हो जाएगा पता है जो फोर टाइम्स नाइन है ना इसको माइनस कर दो इसके रिमाइंडर को तो कितना आ जाएगा ये देख लो तो ये आ जाएगा नाइन में फोर गया फाइव नाइन में थ्री गया सिक्स ठीक है और नाइन में टू गया सेवन नाइन सेवन सिक्स फाइव आ जाएगा अच्छा आप कहोगे सर रिमाइंडर को माइनस क्यों करते हैं चलो इसको मैं तरीका बता देता हूं अगर मैं थ्री से डिवाइड करूं सेवन को तो थ्री टू जा सिक्स हो गया रिमाइंडर वन आया तो अगर तुम्हें एक ऐसा नंबर पता करना है जो थ्री से डिविजिबल है तो आपको सेवन में से इस वन को रिमाइंडर को माइनस करना होगा तो ये एक ऐसा नंबर आ गया जो डिविजिबल है तो भाई अब फिर से पूरा लॉजिक रिकॉल करते हैं पहले हमने ये समझा कि एलसीएम क्यों लेना वो समझ में आ गया ठीक है फिर हमें पता है कि फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है ट्रिपल फोर टाइम्स नाइन है अब हमें ये देखना है कि हमारा ऐसा कौन सा नंबर है ग्रेटेस्ट जो इस नंबर से है यानी कि ये three, five, seven, से डिजिबल है तो हमने डिवाइड करके देखा रिमाइंडर आया तो वो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि रिमाइंडर को माइनस करना होता है तो ये आ गया नाइन सेवन सिक्स फाइव ये तो हमारा ऐसा नंबर आ गया जो कि डिविजिबल है क्या एक्चुअल में क्वेश्चन में डिविजिबल नंबर पता करना है नहीं आपको ऐसा नंबर पता करना है जिसमें रिमाइंडर आ रहा हो वन थ्री फाइव सेवन तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा या रिक्वायर्ड नंबर होगा इस क्वेश्चन में वो पता क्या होगा नाइन सेवन सिक्स फाइव में हमें माइनस करना होगा जो यहां पर रिमाइंडर है अब आप कहोगे सर रिमाइंडर तो यहां पर अलग लगा रहे हैं तो ये चीज समझनी पड़ेगी जब आप थ्री से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर वन है जब थ्री से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना है वन जब आप फाइव से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर है थ्री जब आप 5 से, तो से, तो से डिवाइड कर, तो कर रहे हो तो रिमाइंडर है जब आप से डिवाइड कर रहे हो टू यहां पे भी टू यहां पे भी टू है है. और यहां पे भी कितना है टू तो सब में टू का डिफरेंस है तो नाइन सेवन सिक्स फाइव में हम टू माइनस कर देंगे क्या कर देंगे टू माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा नाइन सेवन सिक्स थ्री ठीक है याद रखना जो भी डिफरेंस रहता है उस नंबर से हमें माइनस करना होता है इस क्वेश्चन के लिए ये लॉजिक आप ध्यान रखें तो इसका आंसर क्या हो गया नाइन सेवन सिक्स थ्री क्लियर है सबको चलो बहुत बढ़िया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर फ्रॉम वन टू टेन अगेन वही वाली बात सर एलसीय ले, ले फिर से समझो दैट इज डिविजिबल वाई ऑल नंबर लेकर आपको एलसीएम लेना है किस किस का वन टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इनका लेना है एलसीएम कैसे लेंगे ठीक है तो भाई वन का तो यहां पे वन ही हो गया टू का टू रहेगा थ्री का थ्री रहेगा फोर का टू का स्क्वायर हो जाएगा थ्री फाइव का फिर फाइव आएगा सिक्स का हमारा टू इंटू थ्री होगा सेवन का सेवन रहेगा एट का एट का क्या होगा टू इंटू टू इंटू टू तो टू की पावर थ्री नाइन का क्या होगा थ्री का स्क्वायर और टेन का क्या होगा टू इंटू फाइव तो अब हम एलसीएम कैसे लेते हैं बड़े बड़े नंबर मतलब बड़ी बड़ी पावर तो टू की हाइएस्ट पावर कितनी है टू है ना नहीं थ्री है टू की हाइस्ट पावर थ्री है थ्री की हाइस्ट पावर कितनी है थ्री की हाइस्ट पावर टू है फाइव की हाइएस्ट पावर कितनी है वन ही है और सेवन कितना है एक बार है और कुछ है क्या सारे हो गए नंबर तो बस इसको सॉल्व कर लो तो एट नाइन इंटू फाइव फोर्टी होता है इंटू सेवन तो ये हो गया थर्टी टू इंटू सेवन जीरो फोर्टीन नहीं कुछ गड़बड़ हो गया कुछ गड़बड़ हुआ गया एक मिनट थ्री थ्री जो नाइन हाँ यार गलत हो गया ना थ्री 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 का स्क्वायर होता है नाइन नाइन फिफ्ट फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव इंटू सेवन तो एट फिफ्ट फोर्टी फोर कैरी तो ये हो गया थर्टी सिक्स ठीक है इंटू सेवन तो जीरो फोर्टी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव तो टू फाइव टू जीरो आ जाएगा ये सही है आंसर ठीक है तो एलसीएम लेना था ऐसे क्वेश्चन पकड़ना सीख जाओ अगर तुम्हारा एलसीएम और एस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन लिख देना ठीक है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो मुझे एक आइडिया लग जाता है Ez सही रहता है ठीक है

ट्वेंटी फोर का थर्टी का और फोर्टी टू का ठीक है तो चलो एलसीएम कैसे निकालेंगे एटीन एटीन का प्राइम फैक्टर क्या होगा टू इंटू थ्री का स्क्वायर ट्वेंटी फोर का क्या होगा टू का स्क्वायर फोर हो गया फिर सिक्स हो, एट थ्री या ट्वेंटी फोर होता है टू की पावर थ्री इंटू थ्री थर्टी का क्या होगा टू इंटू थ्री इंटू फाइव फोर्टी टू का क्या होगा टू इंटू थ्री इंटू सेवन चेक करो ऐसे आ जाएंगे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे प्राइम फैक्टर तो चलो अब जरा इसके वो कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं तो टू की हाइस्ट पावर कितनी है थिरी। थिरी की पावर कितनी है टू फिर है फाइव और सेवन ये तो लास्ट क्वेश्चन में ही मल्टीप्लाई करा कितना आया था टू फाइव टू जीरो तो ये तो आया। देखो, आपको मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन ही बताया था एलसीएम वो नंबर होता है जो डिविजिबल होता है इन सारे नंबर से लेकिन तुम्हें तो एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें रिमाइंडर वन आना चाहिए तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा जो आपको चाहिए आंसर में में वो वो होगा two, five, two, zero में आपको one add करना होगा, आपको करना तभी तो remainder मिलेगा। अब इसको फिर से से एक छोटे समझते हैं। अगर मेरा six जो है, वो थ्री से है, मुझे लेकिन ऐसा नंबर बताना है जिसमें रिमाइंडर वन आए तो मैं सिक्स में क्या वन ऐड कर दूंगा सेवन आ जाएगा क्या अब रिमाइंडर वन आ जाएगा बस यही चीज समझनी है तो भाई इसका आंसर आ जाएगा टू फाइव टू वन ठीक है टू फाइव टू वन आ जाएगा इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्लियर हुआ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है थ्री इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए मतलब ए का प्राइम फैक्टर है थ्री और सेवन का सेवन इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी ठीक है मतलब ए का प्राइम फैक्टर है थ्री बी का प्राइम फैक्टर सेवन लीस्ट प्राइम फैक्टर अब बोल रहा है ए प्लस बी का बताओ क्या होगा तो आप बताओ क्या अगर वो थ्री है यहां पे और ये थ्री सेवन है तो क्या थ्री हमारा ऑड नंबर है और क्या सेवन हमारा एक ऑड नंबर है यस और नो ठीक है सोरे ऑड नंबर है ना और अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा इवन नंबर और इवन नंबर कोई भी हो जैसे फोर है सिक्स है एट है टेन है इनके जरा प्राइम फैक्टर करना सिक्स का करना एट का करना जरा टेन का करना क्या देखा एक चीज नोटिस करी कि जो भी इवन नंबर होते हैं उन सब में मिनिमम प्राइम फैक्टर जो होता है वो टू जरूर आता है तो बोला था लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी तो कितना आ जाएगा टू आ जाएगा समझ हो तो ये था इसका आंसर टू चलिए दैट सॉल्व फ्रॉम माय साइड और बाकी आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब अपना तो ख्याल रखें पढ़ाई करते रहें लास्ट में एक ही बात बोलें बोलूंगा आपसे कि आप सभी सफल हों धन्यवाद